अब मैं अपनी इलस्ट्रेशन की थर्ड वीडियो लेना चाहता हूं, जो हमारी थर्ड एक्टिविटी होती है, दैट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। AS3 के अनुसार उसका नाम होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग के लिए हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंसिंग में क्या क्या अवेलेबल होगा। नंबर वन जो है वो है शेयर कैपिटल। हम देखते हैं शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, इवन डिविडेंड पेड भी हो सकता है। ये ऑल द 3 और 5 जो मैंने अभी टर्म्स बोली हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होती हैं। नंबर वन हम लेते हैं शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर गिवन हो वो भी हम फाइनेंसिंग, डिबेंचर्स भी हमारे फाइनेंसिंग में आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट डिविडेंड पेड की है या डिविडेंड रिसीव्ड की है वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। अब मैं अपनी इलस्ट्रेशन में आ रहा हूँ, मैंने देखना है हाउ टू कैलकुलेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब नंबर वन है शेयर कैपिटल। 2018 में शेयर कैपिटल थी 3 लाख और ये 2019 में हो गई है 4 लाख। इट मींस इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अगर हमारे बिजनेस में शेयर कैपिटल बढ़ती है तो इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और इशू ऑफ शेयर कैपिटल का एग्जांपल है दैट विल बी नोन एज इनफ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ हम कहते हैं फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा इनफ्लो हो रहा है, 1 लाख बढ़ रहा है, दैट विल बी प्लस इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये प्लस होगा। अगर मान लो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी फाइनेंसिंग के लिए नहीं है, जनरल रिजर्व हम ले चुके हैं, क्रेडिटर भी हम ले चुके हैं, बीपी भी हम ले चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ले चुके हैं। अगर यहाँ पे होता है डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर इंक्रीज हो रहे होते तो हम फ्रॉम कर लेते, अगर डिबेंचर डिक्रीज हो रहे होते तो उसको हमें माना था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को हम आउटफ्लो ऑफ कैश मानते हैं और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव बन के जाता है। अगर हमें कैश मिलता है तो वो पॉजिटिव होता है उस एक्टिविटी में, अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती, अगर वो बढ़ रही होती, कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही होती तो वो प्लस होती, उस इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाती। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो डिक्रीज हो जाती, दैट विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाता है। तो जितना हम पे करते हैं, जितनी लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करते हैं, दैट बिकम्स नेगेटिव। वो हमने पे किया, दैट विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश। जितना कैश मिला वो इनफ्लो माना जाता है, जितना कैश बिजनेस से बाहर गया उसको हम आउटफ्लो कहते हैं। अब इस सम में मुझे कैलकुलेट करनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं आ रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे मेरे पास ओनली 2 ट्रांजेक्शन है अपनी इस इलस्ट्रेशन में। नंबर वन है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे 1 लाख हमारी शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो रही है, तो जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दैट विल बी प्लस, क्योंकि ये कैश को बढ़ा रही है, बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे देखिए इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस। अब सिमिलरली और कोई भी मेरे पास अपने सामने इलस्ट्रेशन नहीं है जो फाइनेंसिंग में आए, ओनली 1 एडजस्टमेंट इज देयर। तो यहाँ पे हमने देखा डिविडेंड पेड ₹20,000। अब एक इलस्ट्रेशन में हमारे पास एडजस्टमेंट है जो फाइनेंसिंग को बिलोंग करती है और वो है डिविडेंड पेड 20,000। जब हम डिविडेंड पे करेंगे मनी इज गोइंग आउटसाइड, दैट विल बी नोन एज कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे हमारा कैश आउटफ्लो होगा 20,000 और हमने लिया डिविडेंड पे 20,000 नेगेटिव। अब 1 लाख प्लस 20,000 नेगेटिव, तो नेट आंसर होगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 80,000 प्लस, क्योंकि 1 लाख हमारा प्लस था, 20,000 हमारा नेगेटिव हुआ, तो नेट आंसर होगा 80,000 प्लस। और जब भी हमारा पॉजिटिव आंसर होता है तो हम लिखते हैं फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारे पास ओनली 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, एक एडजस्टमेंट है, एक ट्रांजेक्शन है, इसी को हमने लिया, तो ये बनता है 80,000 पॉजिटिव।
तो अब हमारे पास हो गई है तीनों एक्टिविटीज। थ्री एक्टिविटी को अगर हम क्लब करते हैं तो मैंने बताया था कैश फ्लो में किसी भी स्टूडेंट के लिए इजी है आंसर को लोकेट करना, आंसर को ढूंढा जा सकता है जो हमने कैलकुलेट किया, वेदर दैट इज ए राइट और दैट इज ए रॉन्ग। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर एंड वी हैव टू लोकेट विद इन द सम। हमारे सम में ये आंसर मिला हुआ है उसको हम लोकेट करते हैं। अब मैंने थ्री एक्टिविटीज को प्लस करना है। अब सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट किया था जिसका आंसर मिला था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,40,000। अब सिमिलरली मैंने सेकंड एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बनाया और उसका आंसर था नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 43,000। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव है 1,40,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें नेगेटिव मिला 43,000। अब मैंने फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया। अब फाइनेंसिंग को इंक्लूड करते हैं तो मुझे मिल रहा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज 80,000 प्लस। तो ये भी हमारा फ्रॉम है, प्लस है, इट मींस दैट विल बी आल्सो एडेड। अगर मुझे प्रूव करना हो तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, ऑपरेटिंग का आंसर है 1,40,000 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग का आंसर है 43,000 नेगेटिव और फाइनेंसिंग का आंसर है 80,000 पॉजिटिव। अगर हम टोटल करें इसका आंसर निकालें तो नेट आंसर बनता है 1,77,000 पॉजिटिव। That is net cash from all the activities. तीनों एक्टिविटी को प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है फ्रॉम बिकॉज इट इज पॉजिटिव और ये बनता है 1,77,000। अब इसी आंसर को मुझे अपनी बैलेंस शीट में देखना है, कैश का बैलेंस चेक करना होगा, बैंक बैलेंस चेक करना होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट देखना होगा। अब मैंने देखा कैश बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस था डैश, डैश का मतलब यहाँ पे नील था, जीरो अमाउंट था और ये 19 में हो गया 1,77,000। तो यहाँ पे नेट इंक्रीज इन कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज हमारा आंसर बनता है 1,77,000। इसको अगर देखा जाए, प्रूव किया जाए, वो आंसर भी मेरा यहीं पे है और पहले अमाउंट था नील और ये भी हो गया 1,77,000। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर अपना तीन एक्टिविटीज को क्लब करके आंसर चेक करना चाहता है दैट आंसर विल बी विद इन द सम। अब ये आंसर 1,77,000 ही हमारा है जो हमारा थ्री एक्टिविटीज बता रही है, इट मीन्स वी आर राइट, इट मीन्स 1,77,000 ही इनफ्लो हो रहा है फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, इट इज प्रूव्ड इन द इलस्ट्रेशन। तो 1,77,000 आंसर यही है और ये भी हमारा 1,77,000 आंसर है तीनों को प्लस करने के बाद। तो ये मैंने इलस्ट्रेशन ली ताकि हम प्रूव कर सकें कि हम कैश फ्लो कैसे बनाते हैं। नंबर वन ऑपरेटिंग करते हैं, सेकंड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो फिक्स्ड एसेट को बिलोंग होती है, थर्ड हम करते हैं फाइनेंसिंग जिसमें आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, इनका हम अपना पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने इस प्रकार तीनों को क्लब करना है, तीनों का क्लब करके आंसर वही होगा जो आपका सम में आंसर होगा, जो कैश और बैंक बैलेंस जो हमें नेट आंसर बता रहे होंगे वही आंसर हमारा वहाँ पे मैच होना चाहिए। इफ दैट मैचेस अवर सम इज राइट, इफ दैट डज नॉट मैच इट मीन्स वी मस्ट हैव मिस्टेक मेड सम मिस्टेक। तो इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रूल को हमें देखना है, इन्वेस्टिंग के रूल को हमें देखना है, फाइनेंसिंग के रूल को हमें चेक करना है। थैंक यू वेरी मच। तो ये मैंने इलस्ट्रेशन ली जिसमें मैंने तीनों एक्टिविटीज को प्रूव किया, उनको क्लब किया और उनके आंसर को हमने मैच करके शो किया वेदर वी आर राइट और वेदर वी आर रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच।